अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, अब हम बच्चे की नशोनुमा किस तरह होती है इसके बारे में मालूमात हासिल करते हैं। घर में बच्चे की पैदाइश से खुशी का माहौल बन जाता है। माँ अपनी ममता के तहत इस नन्हे बच्चे का बहुत ख्याल रखती है। बच्चे को रोज़ाना नहलाती है, भूख लगने पर दूध पिलाती है, लोरिया गाकर सुलाती है। बच्चा आहिस्ता आहिस्ता नशोनुमा पाता है। इसकी ऊँचाई और वज़न में इजाफा होता है। बच्चा थोड़ा बड़ा होने पर रेंगने लगता है। एक एक करके इसको दांत निकलने शुरू होते हैं। वो खड़ा होना सीखता है। इसके बाद वो कदम उठाना शुरू करता है। इस तरह परवान चढ़ते चढ़ते इसके कद और वज़न में इजाफा होता रहता है। बच्चा पहले माँ को पहचानना सीखता है। इसके बाद वो घर के दूसरे लोगों को पहचानने लगता है। दूध के साथ साथ दीगर गिज़ा भी खाने लगता है। माँ बच्चे को दूध और चावल खिलाना शुरू करती है। आहिस्ता आहिस्ता वो बोलना सीखता है। लड़का हो या लड़की, नशोनुमा के ज़माने में कुदरत दोनों में कोई फ़र्क नहीं करती। और बड़ा होने पर वो बच्चा नहीं रहता, छोटे बच्चे से बड़ा लड़का बन जाता है, छोटी बच्ची से बड़ी लड़की बन जाती है। छठे साल में बच्चे स्कूल जाने लगते हैं। उम्र के 18वें साल तक लड़के लड़की का कद बढ़ता जाता है। आम तौर पर उम्र के 40वें साल तक सेहत अच्छी रहती है। कद ना भी बढ़े तो वज़न बढ़ता जाता है। अच्छी आदतों और अच्छी खुराक की वजह से सेहत बेहतर रहने में मदद मिलती है। पाबंदी से वर्जिश करने पर इसका फ़ायदा होता है। 40 साल के बाद भी उम्र के साथ जिस्म में तब्दीली होती रहती है। आहिस्ता आहिस्ता आँखों को साफ नज़र नहीं आता, बाल सफ़ेद होने लगते हैं, बुढ़ापे में जिस्मानी ताकत कम होने लगती है, कानों से ठीक तरह सुनाई नहीं देता, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, दांत गिरने लगते हैं, नींद की कमी हो जाती है और मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ होने लगती है। एक दिन मौत आ जाती है।